नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में सरकार का फॉर्मूला तय, शरद पवार बोले उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति। कांग्रेस ने कहा बातचीत रही सकारात्मक, शनिवार को राज्यपाल से कर सकते मुलाकात। महाराष्ट्र में नए गठबंधन पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा नहीं टिकेगी ये सरकार, तीनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग। श्रीनगर दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने स्वराज एक्सप्रेस से फोन पर कहा कश्मीर में कारोबार पूरी तरह चौपट। मध्य प्रदेश में रोजगार का गोल्डन चांस, 1 लाख नौकरी निकालेगी कमलनाथ सरकार, 1 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। और जेएनयू के छात्रों को देश भर से मिल रहा है समर्थन, दिल्ली एम्स के छात्रों ने भी जताया विरोध, पटना में जेएनयू के पूर्व छात्रों ने निकाला मार्च। महाराष्ट्र में पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। शनिवार को इस पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। शनिवार को कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद तीनों दलों के नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। शनिवार को ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की साझा बैठक में मुख्यमंत्री के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति जताई। आपको बता दें कि शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। आपको ये भी बता दें कि 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 105 सीटों वाली बीजेपी और 56 सीटों वाली शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। शिवसेना 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी रही। बीजेपी ढाई साल सीएम पर तैनात नहीं हुई। बीजेपी से बात नहीं बनने के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ बातचीत शुरू की है। कई दिनों की दिल्ली से लेकर मुंबई तक चली बैठकों को हमने देखा। इसके बाद तीनों दलों के बीच सरकार बनाने पर सहमति बनी। शुक्रवार को मुंबई में हुई तीनों दलों की बैठक के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सरकार बनाने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है। आज तिन्ही पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पहिल्या प्रथम एकत्र बसले, बऱ्याचशा गोष्टीवरती आम्ही मार्ग काढलेला आहे, झालं पडलं, पण आम्ही असं ठरवलंय की एकही मुद्दा अनुत्तरित ठेवायचा नाही, म्हणून सगळे विषय सोडवल्यानंतर पूर्ण सगळ्या विषयांची उत्तरं घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतो आहोत, पण चर्चा अतिशय चांगली आणि योग्य दिशेने चालू आहे। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की बैठक के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए उद्धव ठाकरे के नाम पर कोई दो राय नहीं है। सरकार किस कार्यक्रम के आधार पर चलेगा, इसका डिटेल डिस्कशन हुआ है और बाकी जो फाइनल करना है, इसका ड्राफ्टिंग करना है, ये प्रोसेस चालू है। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री के इशू पर कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री के इशू पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सरकार चलनी चाहिए, इस बात पर सहमत है। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की बैठक के बाद पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सकारात्मक चर्चा हुई। शनिवार को भी तीनों दलों के नेता बैठक करेंगे। हम दोनों पार्टियां मिलकर शिवसेना से बातचीत करने मुंबई आए थे। हम तीनों पार्टियों की सरकार स्थापन करने के बारे में और उसके जो भी मुद्दे हैं उन सभी के बारे में चर्चा हुई। चर्चा बिल्कुल सकारात्मक थी। तीनों पार्टियों के शीर्ष नेता उपस्थित थे, लेकिन बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है। कल बातचीत हम जारी रखेंगे। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि तीनों दलों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बनना अभी बाकी है। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी नेताओं की बैठक हुई। बहुत सारे मुद्दों पर पॉजिटिव चर्चा हुई है। अभी और कुछ मुद्दे बाकी है जिसके बारे में चर्चा कल फिर होगी, उसके बाद पूरी बातें आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी।
वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस एनसीपी शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि इन तीनों दलों का गठबंधन अवसरवादी है, सरकार बन भी गई तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। देखिए, इनमें वैचारिक तालमेल नहीं है। शिवसेना जिस विचारधारा पर चलती है उसको पूरी तरह कांग्रेस विरोध करती है, और कांग्रेस जिस विचारों पर चलती है उसको शिवसेना विरोध करती है, और एनसीपी भी शिवसेना के विचारों से तालमेल नहीं रखती। तो विचार और सिद्धांतों के आधार पर ये अलायंस नहीं हुई है, ये अपॉर्चुनिज्म की अलायंस है, और ये टिकेगी नहीं, और महाराष्ट्र में स्थित सरकार भी नहीं दे पाएगी। ये एक प्रकार से महाराष्ट्र का काफ़ी इसमें नुकसान होगा अगर होती है तो, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए निश्चित रूप से अस्थिर सरकार ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूर्वोत्तर के राज्य एक बार फिर से सुलग रहे हैं। गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नागरिकता संशोधन बिल के जरिए सरकार उन्हें बांटने का काम कर रही है। बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे संगठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने कहा है कि वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात करेगी बिल के विरोध में। आसू ने गुवाहाटी में एक मशाल जुलूस भी निकाला, जुलूस में 30 अलग अलग संगठन शामिल हुए। संगठनों का कहना है कि अगर बिल संसद में पास होता है तो इसके बाद जो भी स्थिति पैदा होगी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार हो। असम नेवर एक्सेप्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड ऑल्सो नागालैंड reject the citizenship amendment bill, and so government of India is going to exempt this bill from the orbit of citizenship amendment bill. We are also demanding Assam reject Assam opposes citizenship amendment bill. We never accept this bill. We are opposing because this bill is unconstitutional bill. This bill is an unconstitutional bill. This bill is a communal bill. Nobody who is democratic, nobody can accept this citizenship amendment bill because it's a communal bill. पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में एक सिविल सोसाइटी प्रतिनिधि मंडल श्रीनगर पहुंचा हुआ है। यशवंत सिन्हा के अलावा इस कंसर्न्ड सिटीजन ग्रुप में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, पूर्व एयर वॉइस मार्शल कपिल काक, वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण और सुशोभा बर्वे शामिल हैं। सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि मंडल कश्मीर के अलग अलग वर्गों के लोगों से मुलाकात करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा, जमीनी हालात को जानने की कोशिश करेगा। यशवंत सिन्हा की अगुवाई वाला ये दल 25 नवंबर को श्रीनगर से दिल्ली लौटेगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की ज़मीनी हकीकत पर अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा की अगुवाई में कंसर्न्ड सिटीजन्स ग्रुप पहले भी कश्मीर के ज़मीनी हालात जानने के लिए श्रीनगर गया था, लेकिन उस वक्त प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। स्वराज एक्सप्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने कश्मीर घाटी के मौजूदा हालात की जानकारी दी। मीडिया पर्सन्स काफी तादाद में थे, उनसे बातचीत हुई है, और उसके बाद एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन आया था मिलने, जिनसे हम लोगों की बहुत डिटेल में बातचीत हुई है, और खास करके इस मुद्दे पर बातचीत हुई कि कश्मीर को कितना नुकसान हुआ है फाइनेंशियल टर्म्स में 5 क्लैम डाउन के बाद, क्योंकि सारा ये सब कुछ ठप हो गया है, टूरिज्म ठप हो गया है, हाउस बोट्स खाली हैं, होटल्स खाली हैं, और सामान नहीं बिक रहा है। यहाँ जब हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे आज, तो हमने देखा कि दुकानें भी बंद हैं। चुनावी बॉन्ड पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने संसद भवन परिसर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विरोध
प्रदर्शन किया। पार्टी ने इसे घोटाला और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। साथ ही नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग की। 6000 करोड़ की डकैती के बैनर के साथ कांग्रेसी नेताओं ने संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बोलो प्रधानमंत्री का नारा लगाया। कांग्रेस नेताओं ने चुनावी बॉन्ड काका है, दिन दहाड़े डाका है, चुनावी बॉन्ड बंद करो जैसे नारे भी लगाए। संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस चुनावी चंदे का मुद्दा उठाते हुए इसे एक बड़ा घोटाला बता रही है। गुरुवार को भी कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और सदन का बहिष्कार किया। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन इसे विधानसभा चुनाव के लिए बढ़ाया गया। सरकार इस पर जवाब दे। नोटिफिकेशन के अनुसार ये सिर्फ लोकसभा चुनाव में होना चाहिए, इसको विधानसभा इलेक्शंस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस में एक्सटेंड कर दिया। और जब ये लोग प्रपोज किया कि एक्सटेंशन हो जाए तो उस वक्त जो जवाब दिया था जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर था, वह फाइल पे लिखा कि ये नहीं चलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ लोकसभा के लिए है। तो उस वक्त ऑर्डर आया, हुक्म मतलब ऊपर से आया कि प्रधानमंत्री के ऑफिस ये मांग रहा है बदल लो आपकी इरादा, आपकी एडवाइस। तो इसलिए उनकी राय बदल के फाइल पे दोबारा लिखे कि ठीक है, एक्सेप्शन करके नोटिफिकेशन निकालेंगे। ये तो भ्रष्टाचार से इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया गया था, वो कैसे? PMO ऑफिस की सीधा हस्तक्षेप के दौरान PMO ऑफिस ने मांगा कि भाई तुम ये दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि हमें जिन लोगों को हम खुशी किए हैं वो लोग हमें पैसा देना चाहते हैं। एक के बाद एक इंडस्ट्री को डिसइन्वेस्टमेंट करने के पीछे, कॉरपोरेट लोगों को खातिर करने के पीछे कोई तो राज है। और इसके ये राज खुल जाएगा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सामने रखकर कोई विस्तार से जांच पड़ताल होगा। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार ने इसे चुनावी चंदे में पारदर्शिता के लिए लेकर आई है, विपक्ष बेवजह इस पर सियासत कर रहा है। आवर सिस्टम हैड गॉट करप्टेड बिकॉज ऑफ वास्ट अमाउंट्स ऑफ इलिसिट कैश, यू नो, टू प्रिटेंड दैट समहाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज वर्स देन दैट इज जस्ट, इट इज रॉन्ग। And I think people understand better. This is an improvement in the system. If there are suggestions for further improvement, of course it will be considered in due course. But don't treat an improvement as somehow being worse than the problem which existed earlier. Congress has a problem because they never wanted the system to be fair and transparent, but they want to reintroduce or bring it back to the old era of cash system, where the cash donation they can receive in large numbers, and where the beneficiary could be party as well as the family or maybe some senior leaders, and everyone knows the process they had followed in the past. But we are committed to bring transparency, we are committed to bring a clean system, we are committed to bring the donation through the transparent process, and that is something we have done. We will continue to deliver that. Aur iske sath yahan par waqt ek break ka, aap bane rahiye hamare sath. बिटवीन NRC एंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसमें बहुत सारा विरोधाभास दिख रहा है, क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं कि जो सिटीजनशिप बिल का जो आधार है वो धर्म है। गलत बात है, इसको अननेसेसरीली कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। दोज हु आर एस्केपिंग पर्सिक्यूशन एंड टॉर्चर एंड हैरेसमेंट एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स, दे आर रेफ्यूजीज, तो उनके लिए वी हैव एन ऑब्लिगेशन। कश्मीर में हालात नॉर्मल, अमित शाह ने बोला हाउस में कि सब कुछ नॉर्मल है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं लाइक फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सब अभी भी हाउस अरेस्ट में हैं, और लोगों के बीच में अभी भी वहाँ एक डर का माहौल है। जब लाखों कश्मीर के पंडितों को वहाँ से निकाला गया और बहुत सारे उनको मारा गया, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा मीडिया में आपने, वो नॉर्मल था। JNU का जो प्रोटेस्ट है, व्हाट यू रियली हैव टू से, पार्टी हैज टू डू लॉट ऑफ आंसरिंग ऑन दैट। ऐसे सिचुएशन क्यों नहीं होते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में? ये प्रॉब्लम एक खास करके है लिबरल आर्ट्स सेक्शंस में, ये बहुत लेफ्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। देखिए ऑन रिकॉर्ड बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा के साथ
सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने शुक्रवार को मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का ये भी कहना है कि सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है उसका मकसद छात्रों की मांगों को सुनने से ज़्यादा प्रदर्शन को खत्म कराने पर है। हालांकि JNU छात्र संघ के नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं की जाती आंदोलन चलता रहेगा। एम्स दिल्ली के छात्र संगठन ने भी JNU के छात्रों की मांग का समर्थन किया है। छात्र संघ के अध्यक्ष मुकुल कुमार के हवाले से मांग की गई है कि शिक्षा सबके लिए सुलभ और सस्ती होनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षा के लिए मौजूदा नीति पर भी छात्र संघ ने ऐतराज जताया है। छात्र संगठन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा किया जाए जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो सके। JNU के छात्रों की मांग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के छात्रों का भी समर्थन मिल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के छात्रों ने JNU के छात्रों के समर्थन में रैली निकाली और सरकार से फीस बढ़ोतरी का फैसला वापस लेने की मांग की। JNU में फीस बढ़ोतरी का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। इस मुद्दे पर JNU के छात्रों को कई जगह से समर्थन भी मिल रहा है। प्रोफेसर इमरान कादिर ने इस मुद्दे पर PM मोदी को खत लिखा है और बढ़ाई गई फीस वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा इमरान कादिर ने छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी PM मोदी से की है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जो पत्र PM मोदी को भेजा है उस पर कई हस्तियों के हस्ताक्षर हैं जो JNU के छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। JNU में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका असर देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। पटना में JNU के आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में एकता प्रदर्शित करते हुए JNU के पूर्ववर्ती छात्रों ने सॉलिडारिटी मार्च निकाला। एल्युमिनी एसोसिएशन ऑफ JNU बिहार के बैनर तले JNU के पूर्व छात्रों ने आकाशवाणी भवन से बुद्ध शांति पार्क तक मार्च निकाला। हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार वो दमन बंद करे और JNU के छात्रों की जो लड़ाई है वो हमारे देश भर के छात्रों की लड़ाई है। फीस में जिस तरह से वृद्धि किया गया है 40 से 50,000 वृद्धि हुई है। वहाँ जो गरीब और दलित बच्चे पढ़ रहे हैं उन वो फीस देने के काबिल उस तरह से नहीं है। हम देश भर में शिक्षा नीति के जिस तरह से सवाल पर हमले हो रहे हैं, शिक्षा पर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ उस सॉलिडारिटी में आज हमने पटना में हम लोगों ने सभी संगठनों ने मिलकर आज ये जुलूस निकाला है। छात्रों के ऊपर, गरीब छात्रों के ऊपर फीस की जो बढ़ोतरी JNU में हुई है और JNU तो एक बहाना है, पूरे विश्वविद्यालय हिंदुस्तान का जो भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, उच्च शिक्षा है, उस पर कब्जा किया जाए और जो सस्ती शिक्षा हमको मिल रही है, जो हमारा अधिकार है, उसको महंगा कर दिया जाए और गरीब के बच्चे नहीं पढ़ सके। अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला जारी है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल निवेश मूल्य गिरकर 15 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इसमें सरकार के हिस्से में आई गिरावट और सरकारी हिस्सा अब 36% रह गया है, जबकि 2014-15 तक ये 56% था। जब ये हाल हो तो इसमें कोई हैरत नहीं कि एक के बाद एक दूसरी एजेंसियां भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान गिराते जा रही हैं। इनमें सबसे ताज़ा ICRA है जिसने इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर 4.7% ही रहने की संभावना जताई है। आर्थिक मोर्चे पर लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में वृद्धि दर में गिरावट का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने वृद्धि दर के 4.7% से नीचे रहने का अनुमान लगाया है। पहली तिमाही में वृद्धि दर 5% थी, वहीं ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GVA के 4.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो पहली तिमाही में 4.9% था। हालांकि कृषि और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर बरकरार रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अर्थशास्त्रियों ने सितंबर में खत्म होने वाली तिमाही की विकास दर का अनुमान 4.2 से 4.7% के बीच रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार संशोधन अधिनियम को लेकर मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने UIDAI को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सेना के एक पूर्व अधिकारी SG बोम्बा टकरे ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने निजी कंपनियों को आधार डेटा देने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये निजता और आधार मामले के निर्णय का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने इसके जरिए निजी कंपनियों की बैकडोर एंट्री कराई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आधार कानून में 2019 संशोधन सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का उल्लंघन है। इससे पहले 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आधार कानून की वैधता बरकरार रखते हुए कुछ आपत्तियां जताई थीं और कहा कि निजी कंपनियों को ग्राहकों की अनुमति से भी उनकी जानकारी के लिए डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बता दें आपको कि आधार कानून निजी कंपनियों को आधार डेटा हासिल करने की इजाज़त देता है। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2602। इंडिया टुडे स्टेट्स ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव में गोवा को बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल स्टेट का सम्मान दिया गया है। गोवा को इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और क्लीनलीनेस की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर का खिताब मिला है। गोवा सरकार की ओर से यह अवार्ड राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री मॉविन गोडिनहो ने रिसीव किया। मॉविन गोडिनहो गोवा के वरिष्ठ मंत्री हैं जो ट्रांसपोर्ट के अलावा पंचायती राज, हाउसिंग प्रोटोकॉल और लेजिस्लेटिव अफेयर्स जैसे अहम मंत्रालय भी संभालते हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में उन्होंने गोवा जैसे छोटे राज्य के विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोवा के अलावा इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम और तमिलनाडु समेत कई और राज्यों को भी अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने के लिए सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राशन की दुकानों पर तिरंगे के रंग में रंगने पर सियासत हो रही है। बीजेपी इसे गलत मान रही है। पूर्व CM रमन सिंह ने इसे गलत परिपाटी करार दिया है। वहीं कांग्रेस को इसमें कुछ गलत नहीं नजर आता। ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए कामना की है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही ये मुद्दा सदन में भी उठ सकता है। वैसे ऐसा लग रहा है कि सदन में भी ये मुद्दा उठ सकता है। वैसे अभी आदेश ही जारी हुआ है, जमीनी स्तर पर बदलाव अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो गरीबों के लिए है, जो आज से 12 साल पहले जिसको प्रारंभ किया गया है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सिस्टम उन्होंने विकसित किया है, जबकि हिंदुस्तान का सबसे बेहतर PDA सिस्टम छत्तीसगढ़ में हमने लागू किया और सभी वर्ग लोगों को इसमें कवरेज दिया। 67-70% लोगों को राशन के साथ जोड़ने का काम किया। वो सिस्टम को बेहतर करें, अपने फ़ोटो लगाने से या रंग रंग देने से जनता के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है। अलग अलग जो सरकार के कार्यक्रम है, इवन राशन कार्ड और घरों के जो पट्टे थे उसमें भी अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खूबसूरत चेहरे के साथ तिरंगा करके उन्होंने सारे पट्टे बांटे थे। अब तिरंगे से उनको क्यों आपत्ति है, ये सारा देश समझता है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द ही 1,00,000 सरकारी भर्तियां होंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि 1 साल के भीतर 1,00,000 पदों को भरा जाएगा ताकि प्रदेश के डिग्री होल्डर युवाओं को रोजगार मिल सके। CM कमलनाथ ने खाली पदों की समीक्षा करके जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कमलनाथ सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि 2 जुलाई 2019 के बाद की भर्तियों में 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को पूर्व में निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितने भी पद खाली हैं, हम नौजवान जो हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं पिछले 15 वर्षों से, पढ़ लिख के डिग्री होल्डर, BSc, MSc, इंजीनियरिंग,
भी और मैम टेक किए लोग भी घूम रहे हैं, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए सभी विभागों में तत्काल खाली पदों की समीक्षा करें और भर्ती चालू कर दें। बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी की मां और उर्दू के मशहूर शायर कैफी आजमी की पत्नी शौकत आजमी का निधन हो गया है। 90 साल की शौकत आजमी ने शुक्रवार को मुंबई स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। शौकत आजमी खुद भी अपने दौर की जानी मानी अभिनेत्री थी। उमराव जान, बाजार, हीर रांझा समेत कई फिल्मों में उन्होंने यादगार अभिनय किया। आखिरी बार वो 2002 में फिल्म साथियां में छोटे से रोल में नजर आई थी। शौकत आजमी ने अपने पति कैफी आजमी के जीवन पर कैफी और मैं नाम से किताब भी लिखी थी। दोनों पति पत्नी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य भी रहे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के लिए भी उन्होंने काम किया। आगे बढ़ते हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर में निवेश के पीछे चीन का मकसद मदद करना नहीं बल्कि फ़ायदा कमाना है। अमेरिका की दक्षिण एशियाई मामलों की प्रिंसिपल असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा कि अगर चीन लंबे समय तक CPEC में निवेश करता रहा तो इससे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। वेल्स ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों कॉरिडोर को एक गेम चेंजर की तरह दिखाने में लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इससे बेहतर मॉडल पेश कर सकता है। वेल्स ने कहा कि चीन अपने इस अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान को गैर रियायती कर्ज दे रहा है, जिसे चुकाना आखिरकार पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, चीनी कंपनियां इस प्रोजेक्ट के नाम पर अपने मजदूर और सामान भी पाकिस्तान भेज रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बेरोजगारी का खतरा भी बढ़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।